हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पैनासोनिक कंपनी ने अपनी पीसी का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट द योयो फ्रॉम योर टैक हिंदी। सो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं योर टैक हिंदी में पैनासोनिक का पी सीरीज का एक नया स्मार्टफोन, जिसे P91 स्मार्टफोन कहते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन में खासियत के चलते आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और साथ ही साथ इसमें यूज़ की गई एक नई तकनीक जिसे ग्रेफाइट फिल्म का उपयोग किया गया है टॉप में, जिससे स्मार्टफोन जल्दी से गर्म नहीं होता है। अगर आपका स्मार्टफोन जल्दी से गर्म नहीं होता है या ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो आपके स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सर्किट्स हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। आप इस स्मार्टफोन को लंबे समय तक भी यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्मार्टफोन को थोड़ा सा करीब से। सो दोस्तों, मैं आपका होस्ट दयो आपको लिए बताने वाला हूँ P91 स्मार्टफोन में आपको स्पेसिफिकेशन में क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। तो डिज़ाइनिंग में आपको मिलेगा दोस्तों, P91 में एक 5 इंच का IPS डिस्प्ले आपको मिलेगा। बढ़िया रेजोल्यूशन क्षमता के साथ आने वाला यह स्मार्टफोन 161 ग्राम वजन का है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी स्पेसिफिकेशन की। तो कंपनी ने आपको इसमें दिए 2500 mAh बैटरी का सपोर्ट। इस 2500 mAh वाले बैटरी सपोर्ट में कनेक्टिविटी के फीचर भी आपको मिलेंगे, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और अन्य प्रकार के सेंसर फीचर भी। ठीक है, कैमरा स्पेसिफिकेशन की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। तो कंपनी ने आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा रियर पैनल पे दिया गया है, जो कि LED फ्लैश के साथ में आता है। ठीक है, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोस्तों आपको इसमें मिलेगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। स्टोरेज क्षमता की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों, तो कंपनी आपको 16 GB का इनबिल्ट सपोर्ट देती है, जिसे आप आवश्यकता बढ़ने पर 128 GB तक घटाया बढ़ा भी सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत की। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, यह एक कम बजट वाला स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 6490 रुपये है। ग्राहक को ये स्मार्टफोन ब्लैक और ब्लू कलर में उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के दावे के मुताबिक। कंपनी ये मानती है कि यह स्मार्टफोन शाओमी रेडमी 4A को टक्कर देगा। सो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैंने आपको सारे स्पेसिफिकेशंस के बता दिए, क्या वाकई में ये शाओमी रेडमी 4A को टक्कर देगा? ठीक है, अपने दोस्तों को कमेंट अपने दो हम हमारे दोस्तों के लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता दें मेरा ओपिनियन इस स्मार्टफोन के बारे में क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरा ओपिनियन इस स्मार्टफोन के बारे में ये है कि कंपनी ने कम बजट को लेकर के एक अच्छा स्मार्टफोन निकाला है, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए 1 GB रैम भी दिया है और 2500 mAh का बैटरी आपको इसके अंदर मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप एक एवरेज यूज़र हैं तो आपको ये स्मार्टफोन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके फैमिली में आपके बड़े हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकते हैं, तो उनके लिए आप ये स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि 1 GB का रैम है और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे फीचर आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एवरेज यूज़र हैं या ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, तो शायद आप स्मार्टफोन से इतने खुश ना हो। कंपनी इस स्मार्टफोन को जल्द ही रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा देगी दोस्तों। सो अब बारी है आपकी दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और भविष्य में आपको टेक्नोलॉजी के संबंध में किस तरीके के वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, सो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपका कमेंट हमें आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अगर पसंद आने पर फॉलो भी कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपका होस्ट द यो टैक हिंदी से आपकी खिदमत में था दोस्तों। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।